आप सब लोग का इस शो में जिसका नाम है क्या नाम है कॉमेडी का डेली शो। हेलो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक एक जोक भी नहीं बोला, मैं अभी से लाफ्टर क्यों दे रहा हूँ? क्या ये लाफ्टर नहीं है? ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। सफारी सारे जमीन पर फिल्म का हीरो। दोस्तों मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे को ना हर रियलिटी शो के फिनाले में भी बुलाते हैं विनिंग ट्रॉफी पे ना नाम खरीदने के लिए था कर 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 कुर 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 कुर। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कृष्णा अंकल आज क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, हमारे जो सुरेंद्र पाजी है ना उनका जो बेटा है ना वो कृष्णा अंकल को ढूंढ रहा है, इसलिए कृष्णा अंकल मेरे को बोले कि तुम चले जाओ शूटिंग पे। नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, नहीं छोड़ूंगा कृष्णा को मैं। आज मैं साले कृष्णा का मुक्का मार के मैं दांत बार कर दूंगा आज मैं। तुम्हें तो लगता है पहले कोई मुक्का मार के चला गया। मुक्का नहीं मारा किसी ने, ये ना मेरी नेचुरल ब्यूटी है। ओए तू तो मुंह से ही मौसम्मी का जूस निकाल लेता होगा ना। ये बता तू कौन है? मैं चरिंदर अंकल का बेटा हूँ। अंकल साले तेरे तो अंकल ही हुए ना। मैं नहीं मानता तू इसका बेटा है। मेरी मम्मी भी यही कहती है। ये बता तू यहाँ पे क्यों आया है? मैं अपने पापा की बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। मेरे पापा की सारे बेइज्जती करते हैं। मेरे पापा की इतनी बेइज्जती करते अभी उनको कोई इज्जत से बुलाता उसको पत्थर मार देते हैं वो। आज कृष्णा को जान से मार दूंगा मैं। पापा पापा तुम्हें पता है मेरे पापा ऐसे ही हैं शुरू से। कल की बात बताऊं? हाँ बताओ। मेरे पापा को ना दो खाली कागज चाहिए थे, घर में एक ही खाली कागज था। मेरे पापा कहते थे जाओ भाग के इसकी फोटो कॉपी करा के लाओ पापा। लेकिन ये खाली कागज वाला जोक तो पहले कहीं लिखा हुआ था? साले लिखा होता तो कागज खाली ना होता। खाली से याद आया, मेरे चाचा है ना सिद्धू। हाँ। उनको इतना गुस्सा आता है ना जब कोई मेरे पापा के बारे में बोलता है। हाँ। पता है जब उनकी कोई बेइज्जती करता है वो भड़क जाते हैं। अच्छा। कल भी भड़क गए थे। अच्छा। पता क्या बोले? क्या बोले? वो चकदे फटे नपदे किल्ली सुबह जलंधर शाम को लोनावला। भाई आप सोच रहे होंगे बीच में लोनावला कैसे आ गया? भाई बात ये है कि मेरी दिल्ली की टिकट कंफर्म नहीं हुई। ठोको ताली। वो छा गए गुरु छा गए भाई वो छा गए। अरे सिद्धू जी आपको सुरेंद्र के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ओए होई यार मूड खराब कर दिया क्या तुमने? पूछा तो बताना पड़ेगा। भाई तुम इतनी बेइज्जती करते हो इसकी, क्या तुम्हें ये दूध पीता बच्चा लगता है? भाई तुम्हें चाहे ये अजीब लगे लेकिन मुझे ये कलाकार सच्चा लगता है। भाई कान खोल के सुन लो अगर खबरदार किसी ने इसकी बेइज्जती की तो। भाई वैसे एक बात है, ये तबड़ तबड़ करना मुझे भी अच्छा लगता है। भाई ठोको ताली। उन्हें देखा सिद्धू पाजी को दबड़ दबड़ करने में कितना मजा आता है। उनको तो हर काम में मजा आता है। मैंने सुना है तेरे पापा की गर्लफ्रेंड है। पता है कितनी है? कितनी है? पांच पांच। तो भी सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं? दो दिन तबला नहीं बजाना होता पागल। तो तेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती? नहीं मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती पापा। ए मुझे ये बता तू ऐसी ऊट पटांग हरकतें क्यों कर रहा है? अगर मैं ये सब नहीं करूंगा ना फिर मुझे पहचानेगा कौन? मैं सुरेंद्र का बेटा हूँ। ओए साले तू बातों बातों में मुझे बुला रहा है। जा कृष्णा की तरह
तो कृष्णा अंकल पे इतना गुस्सा क्यों है? मेरे पापा की बेइज्जती करते साला, जब देखो उसको। अरे कहाँ बेइज्जती करते, देख मैं तुझे बताता हूँ। तेरे पापा को स्टार बनाने में ना कृष्णा अंकल का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ देख तेरे पापा की शक्ल कैसी है। क्या मतलब? मतलब कृष्णा अपनी अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ देता है पापा की एक्टिंग करने ऐसी। फिर उसको कितनी तकलीफ होती है, अपनी आंखें भी टेढ़ी करता है। हाँ पता है कृष्णा अंकल ने कितनी मेहनत की तेरे पापा को स्टार बनाने की। तो मेरे पापा ने मुझे बताया ही नहीं कभी ये बातें। ये है ही ऐसा, इसकी माँ का साकी नाक। मेरे को बताते ही नहीं कि इन को कृष्णा ने स्टार बनाया। मम्मी को कहते मेरे को तबला आता है, मैं इसलिए मशहूर हुआ हूँ। अब मैंने कहा तबला तो जाकिर हुसैन को भी आता, वो तो हुआ नहीं। अब बताता हूँ घर जाके इनको। अच्छा मेरे को भड़का दिया कृष्णा। कृष्णा बेचारा कितना अच्छा है, तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरी बेइज्जती भी होती है स्कूल में। अच्छा? हाँ मेरे को ना मेरी मैडम ना रोज मुर्गा बनाती थी, तो कल मैं ना सारे क्वेश्चन याद करके गया। मैंने कहा मैं नहीं आज बनूंगा मुर्गा। मेरे को बोलती है भारत का प्रधानमंत्री कौन? मैंने कहा मनमोहन सिंह। वो उधर ही मर गई। मर गई? हाँ कहती ते उधर चरिंदर का बेटा, तेरे को कैसे पता? मम्मी मम्मी। अभी दोस्तों मेरे को जितने पैसे दिए गए थे ना, मैं उतनी कॉमेडी करता हूँ। उधार में किसी पे नहीं रखता, इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं कृष्णा अंकल को भेजता हूँ। ओके बाय। अरे सब बहन लोग को और मामू लोग को मुन्ना भाई की तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। क्या तुम किसी लड़की को पटाने के लिए जाता है ना, तो वो पता नहीं अपने अंदर क्या देखती है, अपने को भाई बना डालती है रे। कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, आज रक्षाबंधन है ना, मैंने सोचा कि मैं आज आपको राखी बांधूंगी। अबे टकले पे बांधेगी क्या, जगह किधर है? लेकिन तू टेंशन मत ले, ये मुन्ना भाई ने ना तेरे लिए एक भाई का बंदोबस्त किया है। अरे बुलाओ रे उसको। जग्या कैसे पड़ा? कैसे? जब ये पैदा हुआ ना, 8 दिन तक सो रहा था। रोज मेरी दादी साहब पूछती थी, जगा के नहीं? और 9वें दिन जब ये जगा ना, तो सब लोगों ने खुशी से चिल्लाया, जग्या, जग्या, जग्या। और दादी साहब को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसका नाम जग्या ही रख दिया। क्या बात कर रहे हो? अबे ये उठ रे। अबे शो की वाट लगाएगा क्या? उठ जग्या, जग्या, जग्या। या, आजा आजा आजा। क्या रे कैसा जग्या है रे तू, अपनी जग्या पे रहता ही नहीं है। ये कितनी देर से तेरे को ढूंढ रहे लिए रे राखी बांधने के लिए। हाँ तो मैं भी कब से किसी और को ढूंढ रहा हूँ। किसको? आनंदी को। अबे सुन जग्या, अपुन तेरे को मिलवाएगा आनंदी से, वो भी नए अवतार में। क्या? लेकिन उसके लिए तुमको उधर जाना पड़ेगा, इसीलिए आप भी मजा लो आनंदी के नए अवतार का। क्या मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ, मत कमाल का सरप्राइज है, रुक मैं भी आती हूँ। जाओ। आनंदी, लेकिन तू इतनी छोटी कैसे हो गई? अरे जब सीरियल में लीप लेके बड़े हो सकते हैं, तो छोटे क्यों नहीं हो सकते रे मामा? तूने अपना चेहरा क्यों छुपा के रखा है? अपना चेहरा तो दिखा। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा। पर्दा उठ गया तो अभी पूरा गाना सुनाओ क्या? तू ऐसे क्यों बोल रही है?
मैं तेरे पापा को बुलाऊं? प्लीज उन्हें मत बुलाना, वो गांव के खेत बेच के मुंबई चले गए और वो वापस भी नहीं आ सकते। लेकिन तेरे पापा तो मटका बनाते थे ना? अरे एक दिन मटका बनाते बनाते वो मटका खेलने लगे और दिन रात ये कतीन करते तेरे पापा। तेरी माँ ने उनसे कुछ नहीं कहा? अरे वो तो किटी पार्टी में जाकर रमी खेलती थी। लेकिन वो तो सुपारी काटने का काम करती थी ना? लेकिन अब वो सुपारी लेने का काम करती है रे बाबा। और वो क्या रे, ये वो आदमी है के रज शर्मा। ये मेरी आनंदी नहीं हो सकती? अरे मेरे को तो बोला था ये डाय, इसको कुछ नहीं समझ में आता है। किधर गया वो डायरेक्टर? अच्छा, मुझे लगता है कि शो का बजट बहुत कम है और शो के बजट के हिसाब से इस आनंदी से काम चलाना पड़ेगा। काम चलाना पड़ेगा मतलब क्या? पता है क्या, मैं बहुत अच्छी एक्टर है। बहुत अच्छी एक्टर है तो हमारे सीरियल में क्यों नहीं आई? अरे बाबा, अच्छी एक्टर है इसलिए तो तेरे सीरियल में नहीं आई। पता है क्या, मेरे को हॉलीवुड की फिल्म भी मिली है। क्या? हाँ, और वो भी 60 रुपए की, अंधेरी स्टेशन से। तेरे को चाहिए? पर तुम मेरी आनंदी नहीं बन सकती। मैं तेरी आनंदी बन सकती हूँ रे। आनंदी नहीं, ये तो आनंद रे। आनंदी पे आनंदी, आनंदी पे आनंदी, मैं बनूंगी आनंदी। तूने तो बोला तू अच्छी एक्टर है, ये तो सनी है। अरे भले सनी हो लेकिन फनी तो है ना। तुम बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ। मैं सबको बोल देता हूँ, अगर आज मुझे मेरी आनंदी नहीं मिली ना तो मैं सीरियल में एक्टिंग करना छोड़ दूंगा। अरे पहले एक्टिंग करना शुरू तो कर, बाद में छोड़ देना। अरे ये कौन है? माय नेम इज गंगूबाई एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। यही गंगूबाई, और कब से मेरे को बेइज्जत कर रही है। गंगूबाई, तू मेरे भाई को बेइज्जत क्यों कर रही है? तेरे को बुरा लग रहा है? मैं तेरी भी बेइज्जती करती रे पापा। देखो गंगूबाई, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी आनंदी नहीं बन सकती। मेरे को कौन सा बनना है? तो तू यहाँ कहीं को आई? मेरे को इधर कृष्णा ने भेजा है। कृष्णा? ये गंगूबाई मेरा शो खराब करने को आई? ये काम तो तू पहले शीच कर रहा है। चलो अभी मैं इधर से निकलती, मैं तीन तीन नॉन एक्टर के साथ नहीं रह सकती। मैं जाती। ए, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू, किस लिए? क्योंकि तू 5 मिनट के एक्ट में जग गया, सोया नहीं। जोरदार तालियां बजाइए सुगना और जग्या के लिए। थैंक यू वेरी मच।